और मेरे को कितने बार भी बोला आरसी मीडिया का राकेश, अरे ज्योति एक बार हो जाएगा तो क्या होगा, एक बार हो जाएगा तो क्या होगा। तो सर जी आप पागल हो गए हैं क्या, मेरे को यही सब करना है, मेरे को कोठा खाली पड़ा है, मैं वहाँ जाके कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे अपनी इज्जत बेच के पैसा कमाना है, इज्जत बेच के काम करना है, तो मैं ना कोठे में बैठ सकती हूँ, बहुत कोठे मिल जाएंगे बैठने के लिए। अरे क्या होता है, एक बार से मैंने बहुत लड़कियों को आगे बढ़ा दिया, बहुत को उनका सर आप बढ़ाए होंगे, मैं उनमें से नहीं हूँ, सॉरी। आज मैं लाइव आई हूँ आप सबके सामने बहुत ज़रूरी बात करने के लिए, और मैं किसी का अभी नाम नहीं लूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरा साथ दें। आरसीएम कंपनी के खिलाफ बात करने आई हूँ मैं आज। 3 साल पहले मैंने वीडियो किया था, जब मैं फर्स्ट आई थी आरसीएम में, मैं लॉन्च हुई थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सच बोलूँगी। और मैं जब आई फर्स्ट टाइम, तो आप लोग को पता ही होगा कि हर लड़की चाहती है मैं मीडिया में जाऊँ, आगे बढ़ूँ, लेकिन हर सोचती कुछ भी करके आगे जाऊँगी। लेकिन मैंने आज तक कुछ भी किसी के साथ नहीं किया, ना मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, ना मैंने किसी के साथ कोई भी हरकत नहीं की, ऑफ कैमरा भी नहीं की। आज तक सब जानते हैं दिल्ली से लेकर बनारस तक कहीं मैंने ऐसा काम नहीं किया है कि हाँ कि सर मैं काम करूँगी, मुझे कोई भी काम दीजिए करूँगी, और मैं सोऊंगी भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तक किसी को नहीं किया, किसी के साथ हरकत नहीं की। तो वही बात है आज आरसीएम वाला, जो आज हिट कंपनी चल रही है आज के टाइम पर, कोई ईमानदारी से हिट नहीं है वो। मैं असलियत आज आप लोग को बताना चाहूँगी और ज़रूर बताऊँगी। 2 साल पहले ही, 2.5 साल पहले मैंने वीडियो किए थे, फर्स्ट टाइम मैं गई थी आरसीएम में। और जब मैं गई तो सर पता नहीं था मुझे कुछ भी, कैसे वीडियो का लिमिट होता है, क्या होता है, ठीक है। तो ये राजेश जी, राकेश जी भी थे मीडिया के ओनर, आरसीएम मीडिया के ओनर। तो और कैमरामैन थे क्या नाम था, जानू दादा, और पंकज जोशी सर भी थे, और मॉडल बहुत सारी थी, 2-3 मॉडल, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, कोई फ़ायदा नहीं है। और ये भी थे डायरेक्शन में, राकेश जी, ठीक है। इन्होंने मुझसे गाने करवाए, 2-3 गाने, ठीक है, करवा लिए आपने, हॉट गाने करवा लिए, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप लोगों ने करवा लिए मुझसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम यहाँ है कि आपने मेरे उसी गाने की डाटा और सारे गानों में डाल दिया, उन गानों की माँ बहन सब एक कर दी। मुझे इससे प्रॉब्लम है कि आपने, चलो मेरे 3 हॉट वीडियो कर दिए और अपलोड कर दिए, मेरे घर में प्रॉब्लम हुई, मेरी मैरिज टूटी, उसमें प्रॉब्लम हुई, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने उसी गाने के डाटा को मेरे सारे वीडियोज़ में यूज़ किया, दिस इज़ नॉट फेयर। मैं कितने बार बोली, जब मेरी फर्स्ट मैरिज टूटी तभी मैंने कहा सर मेरी वीडियो डिलीट कर दीजिए, मेरी मैरिज टूट गई है, और मेरी मम्मी पापा ने मुझे घर से निकाल दिया कि ऐसे वीडियो करती हो, फलाना ढिकाना, सेमी न्यूड थे वो, जो भी है सही बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, सेमी न्यूड वीडियो थे। और आज भी आप आरसीएम में पुराने वीडियो देखेंगे, इतना आरसीएम का नाम नहीं था, तो करते गए, तभी शूट होता तभी मेरे को बुलाते, चलो आओ ज्योति शूट करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने जब 3 गाने लॉन्च हुए, मेरे बहुत बवाल हुआ, बहुत घर में मेरे हंगामा हुआ, मैरिज टूटी, अब इतना बड़ा चीज़ बर्दाश्त करने के बाद भी इनका सर डिलीट कर दीजिए प्लीज़, यहाँ तक कि मैं कूदने भी जा रही थी, हकीकत बात यही है। लेकिन आरसीएम वाले को कॉल करके कहा सर मेरे गाने डिलीट कर दीजिए, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लाइफ में, ना मेरी मैरिज होगी, ना मुझे काम मिलेगा। तो बोले वो घर वाले लोग पागल हैं, कुछ नहीं होता उनसे, वो तो ऐसे ही हैं, कुछ नहीं होता, उनको समझ नहीं है इस चीज़ का। अरे उनको समझ नहीं होगा तो किसको समझ होगा, आप मेरे गार्जियन हैं, आपको समझ है आप क्या कर रहे हैं, आपके घर की बात आती है औरतों की तो आपको समझ आ जाती है, और किसी की समझ नहीं आती आपको। इसी वजह से आज मैंने आज भी फ़ोन किया, और मैं काफ़ी दिनों से कॉल कर रही हूँ, 2.5 साल से मैं कॉल कर करके बोल रही हूँ सर प्लीज़ मेरे गाने डिलीट कर दीजिए, नहीं
कोई सुनता नहीं। वहीं एक लड़की थी पूजा, जिसने मिर्सी अजीब गाना के लिप टू लिप लॉक किया था और सेमी न्यूड उसका भी था, किया था उसने, उसका डिलीट कर दिया क्योंकि उसने केस किया, प्यार से नहीं बोला। कहते हैं ना जो बांस करके डिलीट करवाते हैं वही सही होते हैं, और जो प्यार से बोलते हैं ना इज्जत दे दे के पुराने लोग, पुराने आर्टिस्ट, सर प्लीज कर दीजिए कर दीजिए, इतना मत किरो। इसलिए कहते हैं इतना भी अपने आप को वो मत करो जी जी करके अपने आप को, कि इंसान इज्जत नहीं सर पे चढ़ के नाचने लग जाए। और मेरे को कितने बार भी बोला आरसीएम मीडिया का राकेश, अरे ज्योति एक बार हो जाएगा तो क्या होगा, एक बार हो जाएगा तो क्या होगा। मेरे को सर जी आप पागल हो गए हैं क्या, मेरे को यही सब करना है, मेरे को कोठा खाली पड़ा है मैं वहाँ जाके कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे अपनी इज्जत बेच के पैसा कमाना है, इज्जत बेच के काम करना है, तो मैं ना कोठे में बैठ सकती हूँ, बहुत कोठे मिल जाएंगे बैठने के लिए। अरे क्या होता है, एक बार से मैंने बहुत लड़कियों को आगे बढ़ा दिया, बहुत को, उनका सर आप बढ़ाए होंगे, मैं उनमें से नहीं हूँ, सॉरी। आज भी मैं यही कहूँगी कि वो इंसान वीडियो डिलीट करने के लिए तैयार नहीं है। पूजा नाम की लड़की का डिलीट कर दिया क्योंकि उसने बांस करके डिलीट करवाया, ठीक है। और अब मैं भी वही कर रही हूँ, जितना हो सके ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिए कि भोजपुरी को गंदा करने वाला कंपनी नंबर वन आरसीएम है, और आज इसके जितने भी मिलियन व्यूवर्स हैं ना मेरे वीडियो की वजह से। मैं बोलती हूँ आप लोगों को, मैंने बहुत प्यार से देख लिया, बहुत प्यार से बोल के देख लिया, सर डिलीट कर दीजिए, ठीक है। बहुत बार हो गया, नहीं हो रहा डिलीट, तो आप लोग डिलीट करवाने के लिए मेरा साथ देंगे, और इस गंद को हटाना है ना मैं खड़ी हूँ आप लोग का साथ देने के लिए। हरियाणा कहाँ था और आज कहाँ हो गया भोजपुरी से ऊंचा। इसलिए कह रही हूँ आप लोग प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, और इस वीडियो को जितना हो शेयर कीजिए, मुझे कोई डर नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा मुझे टॉर्चर करेगा वो, मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, जान जाने का खतरा उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसे लोग जो हमारी भोजपुरी को गंदा कर रहे हैं ना, आज कोई पढ़ा लिखा इंसान भोजपुरी नहीं देखता है, ठीक है, मैंने देखा है, मैंने दिखाया कि काफ़ी लोग नहीं देखते हैं, कि सारी भैया पवन भैया को नहीं जानते, पढ़े लिखे लोग किस तरीके से एल्बम के लोग गंदा करते हैं भोजपुरी को। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितना हो शेयर कीजिए, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगी, हर कदम पे साथ दूंगी आप लोगों का। लोग सोचते हैं कि मेरे साथ क्यों प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती है कि मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, ठीक है। मेरे साथ प्रॉब्लम इसलिए होती है कि मैं सोती नहीं हूँ किसी के नीचे, और सोना आज तक ज्योति ने बिल्कुल नहीं सही समझा। जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे देख रहे हैं, मैं जानती हूँ सब भोजपुरी को बहुत बदनाम कर चुके हैं, मैं भी उनमें से एक लड़की हूँ, बहुत बार रो के बोल चुकी हूँ, अब मैं रो के नहीं बोलूंगी, रुला के बोलूंगी। अगर आदमी किसी के साथ सो के गई होती ना आगे, बहुत इज्जत मिलती मुझे। जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे विकास सिंह वीरप्पन जी हो, चाहे कोई भी हो, एनीथिंग, चाहे वो टिंकू हो, चाहे वो आनंद सर हो, चाहे विकास सर हो, कोई भी हो, सारे अब उन्हीं को काम देते हैं जो सोती हैं,
हकीकत है ये, या किसी और के साथ सोकर आती है, या किसी का उसको वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, साथ मिलता है, रिश्तेदारी होती है, उन्हीं को काम मिलता है। ठीक है, बहुत रोया मैंने इस लाइन में आज तक, और मैं आज रोना नहीं चाहती, मैं रुलाना चाहती हूँ लोगों को। ठीक है, जितने भी लोग हैं, जितनी भी आज आर्टिस्ट काम कर रही हैं इस मीडियम, सोचती हैं कि बहुत स्टार बन गई हैं, नई नई लड़कियां आती हैं, और नई लड़कियां काफ़ी अच्छी भी होती हैं, काफ़ी बुरी भी होती हैं।